एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीप मोमर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एपीएस का, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का क्लास टू का इंग्लिश एक्सरसाइज वन, जो कि रूट्स एंड विंग्स बुक का जो नाम है वो है रूट्स एंड विंग्स, उसका हम चैप्टर वन करेंगे। जबकि चैप्टर वन में दिया हुआ है क्लास टू का अ पार्टी फॉर मॉम। अ पार्टी फॉर मॉम का मतलब है कि मॉम के लिए पार्टी। जो भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स वीडियोज़ को देख रहे हैं अच्छे से फॉलो करें, उनकी क्लास के हैं 110% बच्चों का यही चैप्टर आ रहा है, जिस बच्चे के पास रूट्स एंड विंग्स के बुक हैं। देखिए, अब पार्टी फॉर मॉम में सबसे पहले क्या दिया गया, फर्स्ट पेज। सबसे पहले हम कंटेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आ रहा है इंग्लिश में। देखिए क्या है, फर्स्ट अ पार्टी फॉर मॉम, सेकेंड माई स्वीट होम, फिर है देखिए ही इज़ कॉल्ड डैड पोएम, अमित राम, रामरा रामरा रखियानी, फिर थर्ड है बी काइंड टू एनिमल्स, यानी ये पोएट के नेम है, पोएम है ही इज़ अ कॉल्ड डैड, इसके लिए चैप्टर नहीं है, ये बस ऐसे दे दिया गया इसलिए चैप्टर नहीं है। थर्ड में बी काइंड टू एनिमल्स, फिर आपका एक और पोएम है मदरलेस सॉफ्ट लैम्पकिन क्रिस्टीनिया जी रोस्टी, फिर पीरियोडिक टेस्ट वन, जैसे इसमें भी टेस्ट पेपर दिया गया। फिर है फोर्थ चैप्टर द स्टोरी ऑफ ए ट्री, फिर एक पोएम है द वाइट विंडो जेम्स स्टीफन्स, फिर फिफ्थ चैप्टर है गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, फिर सिक्स चैप्टर द फॉरेस्ट, फिर है आपका इफ़ यू शुड मीट अ क्रोकोडाइल, ये भी एक पोएम ही है क्रिस्टीनिया एफ फ्लेचर, फिर एक टेस्ट पेपर है। मतलब कि वो क्या करते हैं कि एक पेपर बना के बच्चों के लिए क्या करते हैं कि वो टेस्ट पेपर उस पूरे चैप्टर का निचोड़ आ जाता है ताकि बच्चों का आईक्यू लेवल ठीक हो। फिर देखिए सेवन चैप्टर रोहन एंड टिया वॉच टेलीविज़न, फिर आपका एक पोएम है टॉल ट्रीज इलिन मैथियास, फिर है एट चैप्टर मुरली बिकम्स अ गुड बॉय, फिर है नाइन्थ चैप्टर भोला राम्स मैजिक रिपेयर टॉय शॉप, फिर है आपका फिर से एक टेस्ट थ्री है पीरियोडिक टेस्ट थ्री, फिर है लिसनिंग टेक्स्ट, फिर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग ऑल एक्टिविटीज। तो इस तरह से टोटल 9 चैप्टर हैं, 9 है, बाकी इसमें पोएम भी 4-5 है। तो इस तरह से हमें सारे चैप्टर को करना है। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं अ पार्टी फॉर मॉम। अ पार्टी फॉर मॉम में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर फॉर योर मॉम, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट हर, यानी ये कि यहाँ पे ब्रैकेट खाली छोड़ दिया गया है जहाँ पे अपनी मम्मी का फ़ोटो बनाना है, जिसका ये बुक है उसने फ़ोटो बनाया है, उस बच्चे को जैसे है उसने बनाया। फिर देखिए नीचे जाते हैं, यहाँ पे क्या बोला कि फिल करना है सेंटेंस को, कंप्लीट करना, द नेम ऑफ माय मदर, जो आपकी मम्मी का नाम होगा आप वहाँ पे लिखिएगा, फिर द आई कॉल हर मॉम, मम्मी, मम्मा या माँ, और वहाँ ब्रैकेट में आपको चार ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी मम्मी को क्या कह के बुलाते हो, मॉम, मम्मी, मम्मा या फिर जो भी जो कहते हो आप यहाँ पे टिक कर दो। क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। चैप्टर में देखिए क्या है, रीड एंड इन्जॉय दिया है। सबसे पहले डू यू नो वैन मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड, तुम क्या जानते हो कि मदर्स डे कब मनाया जाता है। फिर देखिए लिखा है लेट्स अ फाइंड आउट हाउ अंजू एंड हर फैमिली सेलिब्रेट इट, चलो अब हम कैसे अंजू और उसका परिवार सेलिब्रेट कर रहा है। अंजू एंड एवरीवन इन द फैमिली इज़ हैप्पी, अंजू का जो पूरा परिवार है बहुत ही खुश है, दे आर रेडी फॉर अ पार्टी, इट इज़ फॉर हर मॉम, वो लोग पार्टी के लिए रेडी है, वो भी पार्टी किसके लिए, मम्मी के लिए है। हर मॉम रीनी, उसकी मम्मी है जो रीनी है, हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गई हुई है। हर ब्रदर जीत एंड फादर शरद वेट फॉर हर टू कम बैक, और उसका भाई जीत और पापा जो शरद है वो वेट कर रहे हैं रीनी यानी उसकी मतलब की मम्मी के आने का। फिर देखिए जैसी मम्मी आती है हैप्पी मदर्स डे मॉम, बच्चे बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे मॉम, फिर माँ हैप्पी होकर बोलती है वो व्हाट अ सरप्राइज़, वो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है वो व्हाट अ सरप्राइज़, एक्साइटेड हो जाती है। फिर देखिए इधर आते हैं आई हैव अ कार्ड फॉर यू मॉम, तो जो लड़की रहती है अंजू वो अपनी मम्मी को कार्ड देती है और बोलती है मेरे पास आपके लिए कार्ड है, मम्मी बोलती है थैंक्स। फिर यहाँ देखिए हेयर आर फ्लावर्स फॉर यू मॉम, हेयर आर फ्लावर्स यानी कि लड़का जो था जीत वो बोलता है मम्मी आपके लिए मेरे पास फ्लावर यानी फूल है, तो मम्मी फिर बोलती थैंक्स जीत। फिर हम नीचे आते हैं दिस आर वेरी नाइस थैंक यू,
और वो मतलब सरत यानी अपने हस्बैंड से बोलती है बहुत ही अच्छा है मतलब कि थैंक यू। फिर देखिए इधर, टुडे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ मे, तो ये मतलब कि सरत बोलता है कि आज जो है वो सेकेंड संडे है मे का, इट इज़ अ मदर्स डे, तो आज मतलब कि मई के सेकेंड संडे को मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज़ योर डे और आज आपका दिन है, लेट अस हैव अ पार्टी, चलो हम पार्टी इन्जॉय करते हैं। फिर देखिए नीचे दिया लवली डेकोरेशन, मॉम उसकी बोलती है डेकोरेशन बहुत ही लवली है। फिर डैडी पुट्स द बैलून्स एंड स्टीमर्स, मतलब बच्चे बताने लगे होंगे कि पापा ने बलून्स और स्टीमर्स लगाए। फिर मम्मी थैंक्स बोलती है, लेट अस स्टार्ट द पार्टी, और फिर वो बोलते हैं चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। फिर पीछे जाते हैं, अब पीछे जाते हैं तो देखिए क्या दिया है, मम्मी खुश होती है बोलती वाओ हेयर आर सम कुकीज़, लड़की मतलब यानी अंजू जो थी वो बोलती है। फिर जीत बोलता है देयर इज़ जूस फॉर एवरीवन, और वो बोलता है जूस लाया हूँ सबके लिए। तो उसके पापा बोलते वी ऑल्सो हैव अ सैंडविच हेयर, मैं मतलब वो कहते हैं देखो यहाँ पे सैंडविच भी है। फिर दे ऑल ईट एंड ऑल्सो लिसन टू द म्यूज़िक, यानी सब खाने लगते हैं और म्यूज़िक को इंजॉय करने लगते हैं, सुनने लगते हैं। फिर मॉम फिर बोलती है अंजू, मॉम हेयर इज़ अ स्टार फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हम सब की तरफ से आपको स्टार, यू लव अस सो मच व्हेन वी आर सिक यू लुक आफ्टर अस, मतलब कि बोलती है लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जब मैं बीमार होती हूँ तो आप मुझे हमें कैसे देखते हो। फिर लड़का जो जीत था, यू डू अ लॉट फॉर अस, यू ऑल्सो हेल्प अस डू वेल इन स्कूल, यानी आप हमारे लिए इतना करते हो, आप हमें स्कूल भेजते हो, हेल्प करते हो। फिर नीचे आते हैं, यू केयर फॉर ऑल ऑफ अस, उसका हस्बैंड बोलता है तुम सबकी कितनी केयर करते हो, यू आर द स्टार ऑफ द फैमिली, आप स्टार हो इस फैमिली के, शरद बोलता है। फिर उसकी मॉम बोलती है आई एम सो हैप्पी आई हैव अ लविंग फैमिली थैंक यू, और वो कहती है कि मुझे एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मिली है और सबको धन्यवाद करती है। इसी के साथ जो पार्टी फॉर मॉम था उसका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि बच्चे जो थे और हस्बैंड जो थे मिलके मम्मी को मदर्स डे देते हैं। और मदर्स डे कब होता है बच्चों को पता चल गया होगा, मई के सेकेंड संडे को हम सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे। अब देखिए यहाँ पे हम इधर आते हैं, क्वेश्चन टिक आउट दिया गया है, देखिए सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड इन्जॉय था, अब रीड एंड अंडरस्टैंड है। ए नंबर पे दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो क्वेश्चन क्या दिया है, द फैमिली ऑफ अंजू सेलिब्रेट, जो अंजू की फैमिली थी वो क्या सेलिब्रेट कर रही थी, फादर्स डे, टीचर्स डे, मदर्स डे या पेरेंट्स डे, मदर्स डे, गुड, तो कौन सा, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही। सेकेंड क्वेश्चन है इट इज़ द सेकेंड संडे ऑफ, सेकेंड संडे ऑफ जून, नो मे, यस मे के सेकेंड संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ना अप्रैल होगा ना जनवरी होगा, मे होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज जीत ब्रिंग फॉर एवरीवन, जो जीत था वो सबके लिए क्या लेके आता है, जूस, कुकीज, चिप्स या कोक, जूस लाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया देयर इज़ जूस फॉर एवरीवन। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स कुकीज़, कुकीज़ कौन लाता है, जीत, अंजू, शरत या रिनी, अंजू लाती है कुकीज़, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फिर नीचे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स में तीन वर्ड्स दिए गए हैं और तीन फिलअप दिए गए हैं, आपको करेक्ट वर्ड को फिलअप में भरना है। सबसे पहले नंबर पे दिया अंजू एंड हर फैमिली हैव अ पार्टी, डैश पुट द बलून्स एंड स्टीमर्स, कौन लगाता है, हमने पढ़ा है चैप्टर इसलिए पता है, डैडी लगाते हैं। अंजू गिव्स अ स्टार फॉर टू हर मॉम, अंजू थी वो अपनी मम्मी को स्टार देती है। नीचे फिर आते हैं, थिंक एंड गिव वन वर्ड आंसर, यानी कि सोचना है और एक शब्द में हमें आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट डस रिनी सी व्हेन सी गेट्स अ कार्ड एंड फ्लावर, फ्लावर्स, जब रिनी को कार्ड और फूल मिलता है तो रिनी क्या कहती है, क्या कहती है, थैंक यू बोलती है, सिंपल सा बात है, थैंक यू इसका आंसर होगा, सी का वन का आंसर। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, आंसर क्या होगा, थैंक यू, ये होगा आंसर। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज रिनी
फील एट द पार्टी, इज सी द स्टार ऑफ द फैमिली, यस, और वो क्या फील करती है, इज सी इज द स्टार ऑफ फैमिली, रिनी क्या फैमिली की उस समय स्टार थी पार्टी की, तो हाँ, और फिर क्या है, हाउ डज रिनी फील एट द पार्टी, और जब वो पार्टी को देख के क्या फील करती है, कैसा फील करती है, तो बहुत खुश होती है, बोल सकते हैं कि वेरी हैप्पी, रिनी इज वेरी हैप्पी फील एट द पार्टी। कैसे लिखेंगे दूसरे का आंसर, रिनी इज सो हैप्पी सो हैप्पी और क्या था एक और आंसर क्या होगा, यस, हाँ स्टार थी क्या, यस सी इज द स्टार ऑफ द फैमिली, यस सी इज द स्टार ऑफ द फैमिली, रिनी सो हैप्पी, और ये भी आप लिख सकते हो कि आई हैव ए लविंग फैमिली, ये भी लिख सकते हो आप, रिनी इज सो हैप्पी आई हैव अ लविंग फैमिली, या फिर आप ये सिर्फ लिख सकते हो कि आई हैव अ लविंग फैमिली, वो क्या फील करती है कि मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, आई हैव लविंग फैमिली, ये भी हो सकता है आंसर, यही लिख दीजिए सबसे अच्छा, आई हैव अ लविंग फैमिली और यस इज द स्टार ऑफ द फैमिली, ये हो गया टू का, सी का टू नंबर का आंसर। अब यहाँ देखिए दिया है ग्रामर स्पॉटलाइट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जीत गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यानी यहाँ पे सेंटेंस जो है बने बनाए दिए हुए हैं, मतलब ग्रामर से रिलेटेड दिया गया है, जीत गेट अप्स इन द मॉर्निंग, ऑल आर वेरी एक्साइटेड, रिनी ओपन्स ऑल द गिफ्ट्स, हु कट्स द केक, उसके बाद नीचे आते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि ग्रुप का वह समूह जो कि एक कम्प्लीट सेंटेंस बनाता है उसे हम कम्प्लीट सेंस यानी एक कम्प्लीट वाक्य बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, अ सेंटेंस मतलब कोई मीन्स निकलता है, अगर कोई हम लिख रहे हैं लाइन उसका कोई मीन निकल रहा है तो वो सेंटेंस कहलाता है, अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, हमेशा जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, व्हेन अ सेंटेंस टेल अ समथिंग अबाउट समबडी और समथिंग वी कॉल इट ए स्टेटमेंट, सेंटेंस 1, 2, 3 गिवन अब द स्टेटमेंट्स, सेंटेंस जो होता है कब, समथिंग अबाउट समबडी समथिंग वी कॉल इट स्टेटमेंट, तो हम किसी को किसी के लिए किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो सेंटेंस होता है, फिर द सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप से होता है, और मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में हम बोलते समथिंग अबाउट किसी के बारे में, समबडी कोई या फिर कुछ, ऐसे करके दिया गया है, फिर है क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, फुल स्टॉप होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अबाउट समथिंग और समबडी क्वेश्चन, सेंटेंस 4 इज ए क्वेश्चन, जो चौथा होता है वो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे चारों चीज़ बताया गया है, फिर देखिए हम नीचे आते हैं, सेंटेंस को तो हम चलिए ग्रामर जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, फिर अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन दिया इसलिए मैंने इसे रेड कर दिया, फिर देखिए टिक आउट दिया ए नंबर, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस एंड क्रॉस दोज विच आर नॉट सेंटेंस, क्या दिया इन द मॉर्निंग, अब वो क्या करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिख रहा है, अभी सेंटेंस इसीलिए समझाया गया कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई सेंस निकल रहा है तब उसे हम राइट करेंगे, सेंस नहीं निकल रहा उसे हम क्रॉस करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दिया है इन द मॉर्निंग, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसलिए ये क्रॉस कर दिया गया, फिर हियर आर फ्लावर्स फॉर यू, यह जो फ्लावर है आपके लिए सेंस निकल रहा है इसलिए राइट, अंजू हैज़ ए हाफ वर्ड यानी इसका भी कोई सेंस नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं इसलिए रॉन्ग, लेट अस ये भी नहीं इसलिए रॉन्ग, डैडी गिव हर्स फ्लावर, डैडी फ्लावर दिया ये भी एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसलिए ये सही सही है,
फिर हम नीचे आते हैं बी नंबर पे, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विथ अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से एंड करेंगे हम रीअरेंज करना, यानी गलत दिया गया है इसे हमें क्या करना है, सही किया। यहाँ पे तो भर दिया गया है, लेकिन आप लोग का बुक हो सकता है खाली हो या फिर भरा हो, जो भी हो। देखिए सबसे पहले दिया इन स्लैश अंजू स्लैश लिव्स स्लैश दिल्ली, स्लैश इसलिए दिया गया है क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं है। हमें यहाँ पे सेंटेंस इसीलिए ऊपर दिखाया गया कि हमें नीचे दिया गया है उससे जुड़े हुए, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क सब बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन अंजू ये कोई बन नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, अंजू लिव्स इन दिल्ली, और लास्ट एंड करेंगे तो फुल स्टॉप लगाएंगे, अंजू लिव्स इन दिल्ली। ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मेक सेंस वाला सेंटेंस बना। सेकेंड है आपका एम आई सो एम आई हैप्पी सो, क्या ये सेंटेंस है, नहीं बन रहा है, तो हमें अब इसको सही करना है। तो हम क्या करेंगे, आई एम सो हैप्पी और फुल स्टॉप करके हम इसका एंड करेंगे। थर्ड नंबर पे है डू स्लैश यू स्लैश स्लैश लॉट स्लैश अस स्लैश फोर, क्या है, यू डू अ लॉट फॉर अस, बच्चे ने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, यू के जब उसने यूर कर दिया, इसलिए यू डू अ लॉट फॉर अस और फुल स्टॉप टिक। इस तरह से रीअरेंज कर दिया गया, हमेशा सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से और एंड फुल स्टॉप से होता है। और कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है, पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं बच्चों को समझाएं कि उसका कोई सेंस निकले। फिर देखिए दिया है स्पेल वेल, यानी कि सही स्पेलिंग होना चाहिए, जैसे एन एम फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स यूज द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। वन नंबर पे दिया है एच ई डबल पी करके डैश दिया गया था, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दे दिया गया, इसमें से आपको भरना था, तो यहाँ पे देखिए इसे मिलता जुलता था, इसका वाई छूटा था तो हैप्पी। दूसरा था डैश देखिए ए डबल एल डबल ओ एन एस दिया गया था, तो इससे मिलता जुलता ये था, तो यहाँ बी छूट गया था, तो बी यहाँ पे पुट कर दिया गया। थर्ड है पी ए आर डैश वाई था, और यहाँ पे मिलता जुलता ये था, पार्टी था, तो आर के बाद टी लगा के पार्टी को कंप्लीट कर दिया। फोर्थ नंबर पे जे डैश आई सी ई दिया गया था, जिसमें मिलता जुलता जूस था, उसका हमने यू यहाँ पे भर के इसको कंप्लीट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये फिलअप ख़त्म हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। फिर हम नीचे आते हैं वर्ड पावर, जैसे कि लेट अस लर्न, अगर यहाँ पे कुछ समझा रहा है तो उससे रिलेटेड नीचे कोई क्वेश्चन जरूर देगा, जैसे यहाँ पे सेंटेंस समझाया और सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया उसी तरह। वर्ड पावर, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स, चलिए हम कुछ नए वर्ड्स जानते हैं। नेम्स ऑल्सो टेल अस इज इफ़ ए पर्सन और एनिमल इज ए मेल और फीमेल, मतलब कि जो नेम्स में हमेशा जब हम बात बात करते हैं तो पर्सन जानवर लड़का लड़की सब आता है। वी यूज़ ही नेम, हम इस्तेमाल करते हैं ही नेम्स फॉर द मेल जेंडर, ही नेम्स का इस्तेमाल हम मेल जेंडर के लिए करते हैं, एंड सी नेम्स का इस्तेमाल हम फीमेल जेंडर के लिए करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द नेमिंग वर्ड, पिक्चर देखिए और नेमिंग वर्ड को करिए। जैसे कि यहाँ आप देखिए दिया है मैच द गिवन वर्ड्स करेक्टली द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक यहाँ पर डन कर दिया गया है, बाकी आपको करना है। यहाँ पे अंकल का आंट ही नेम्स और ये सी नेम्स था। अब ब्रदर है, ब्रदर ही नेम्स है, तो जो सी नेम्स होगा ब्रदर का सिस्टर होगा। फिर यहाँ पे फादर दिया है, फादर का मदर होगा। बुल का काऊ होगा, लायन का लायनेस होगा। जिसका ये बुक है उसने दो मिस्टेक यहाँ पे कर रखे, इसलिए मैम ने उसे सही किया है। अब ये हो गया, इसके बाद हम पीछे चलते हैं, पीछे आते हैं तो देखिए लिसन एंड लर्न एक्टिविटीज़ फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मैंने बोलने की और सुनने का एक्टिविटी। लिसन एंड लर्न दिया है, योर टीचर विल रीड द पैसेज फ्रॉम द लिसनिंग टेस्ट गिवन ऑन द पेज 119, लिसन टू इट केयरफुली, नाउ मैच द पिक्चर। मतलब कि क्या कह रहा है कि 190 नंबर पेज जो है वो हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं 190 नंबर पेज पे, इधर आते हैं 119 पेज पे आपका ये दिया है अ पार्टी फॉर मॉम लिसनिंग टेस्ट,
वहाँ जो दे रखा था लिसनिंग टेस्ट में, तो क्या दिया है, पढ़ना है और बच्चों को सुनाना है। इट इज़ द मदर्स डे। जिया, टीना एंड रा डिसाइड टू गिव टू देयर मदर्स एंड सरप्राइज देम। यानी आज मदर्स डे है, जिया, टीना और राज ने डिसाइड किया कि वो अपनी मम्मी को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। जिया गिफ्ट्स अ बुक। जिया ने क्या किया, मम्मी को बुक दिया टू हर मदर एंड हग्स हर। बुक देके उसने अपनी मम्मा को गले लगा लिया। टीना ब्रिंग्स अ पर्स फॉर मदर। टीना ने अपनी मम्मी के लिए एक पर्स खरीदा। सी स्माइल एंड थैंक्स हर। तो उन्होंने हंसा और उसे धन्यवाद कहा। फिर राज गेट्स अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस फॉर हिज मदर। राज ने क्या किया, अपनी माँ को सन ग्लासेस के पेयर्स दिए। पेयर यानी पेयर मतलब जोड़े में जो होता है, एक साथ दो होते हैं। सी लाइक्स देम एंड सी एंड इज हैप्पी। और उसकी मम्मी को वो पसंद आया और वो बहुत खुश हुई। फिर दे ऑल हैव अ ग्रेट टाइम ऑन मदर्स डे एंड फील जॉयफुल। वे सब एक साथ मिलके मदर्स डे को सेलिब्रेट किए और बहुत ही जॉयफुल मतलब बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। तो यही था यहाँ पे, मैं उसे पढ़ना था। अब इधर आते हैं, अब हमने उसको पढ़ लिया, अब हम इसे करेंगे मैचिंग को। तो जिया ने क्या किया था, मम्मी को बुक दिया था इसलिए बुक। टीना ने पर्स तो पर्स, राज ने सनग्लासेस तो सनग्लासेस। इसे यहाँ पे मैचिंग कर दिया गया। अब चलिए नीचे आते हैं। कन्वर्स एंड कनेक्ट। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, इनेक्ट इट विथ योर पार्टनर इन द क्लास। कन्वर्सेशन करना है आपकी क्लास का जो पार्टनर है। जैसे ये देखिए, एक लड़की और एक लड़का है। ये क्या बोली, आई लव माई मॉम, आई लाइक टू सी हर स्माइल। मुझे, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। तो इसने बोला ओ येस मी टू, ओ हाँ मुझे भी, इसने बोला जो इनका पार्टनर था। सेकेंडली आई विल हग माई मॉम टू मेक हर स्माइल। मैंने अपनी मम्मी को हग किया, गले लगाया और मॉम टू मेक हर स्माइल, तो वो हंसी। तो इसने क्या बोला, आई विल मेक अ कार्ड फॉर मॉम, आई वॉन्ट टू सी हर स्माइल। और उसने बोला मैंने अपनी मम्मी को कार्ड दिया और मैंने भी उनकी स्माइल देखना चाहता था कार्ड देकर। फिर बी नंबर पे, ए नंबर ये हो गया, बी नंबर मेंशन वन थिंग, मेंशन वन थिंग दैट यू विल डू टू मेक योर मदर हैप्पी। मतलब एक ऐसा कोई चीज़ मेंशन करो जिससे आप अपनी मम्मी को खुश कर सकते हो। बी नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आप अपनी मम्मी के लिए ऐसा क्या करो कि आपकी मम्मी खुश हो जाए। ठीक है, अब इधर आते हैं। स्पीक एंड एक्सप्रेस। ए नंबर में क्या दिया, टेल योर पार्टनर इन द क्लास। क्लास का जो आपका पार्टनर है, व्हाट यू सी इन द पिक्चर, डू यू लाइक इट, व्हाई। अब उससे, उसके साथ बात करके पूछिए कि इस चित्र में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो बच्चा है वो अपनी माँ से गले मिल रहा है। चलिए यही दिख रहा है, अपने 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 क्लासमेट्स के साथ आपको डिस्कस करना है। फिर देखिए, प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस मतलब बोलने का प्रैक्टिस। योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, लर्न टू प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली। यानी कि क्लास में टीचर आपकी बोल रही है और आपको उनके साथ साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे ईपल, ई एप्पल, ई आई डे। जैसे यहाँ ए ई एप्पल, जैसे यहाँ पे देखिए वन नंबर पे बैग, मैट, सैंड, टैप, हैंड, हैंड, बैग, मैट, एप्पल। यानी ऐसा मतलब मन प्रोनाउंस होना चाहिए, करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए यहाँ पे ये दिखाया गया। वे, मे, रे, टेस्ट, हेस्ट, मतलब आपके वो डे, आपको मतलब राइट प्रोनाउंस करना है। जैसे काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, बैग, मैट, सैंड, ऐसे नहीं बोलना, इस वे में बोलना है। जैसे एप्पल, उस तरह बैग, मैट, सैंड, टैप, हैंड, ये ए आई दिया है, डी, या वे, मे, रे, टेस्ट, हेस्ट, इस तरह से राइट प्रोनाउंस करना है। फिर देखिए राइट वेल। ए नंबर, टॉक टू योर मदर एंड फाइंड आउट द थिंग्स ही लाइक्स, फिल इन द ब्लैंक्स।
अपनी मम्मी से बात करो और वो चीज़ें फाउंड करो जो आपकी मम्मी को पसंद है और भरो। माई मदर लाइक्स अ ग्रे कलर द मोस्ट। मम्मी से बात करना है और उनकी जो पसंदीदा चीज़ें है वो यहाँ पर लिखनी। मम्मी को क्या है उसके ग्रे कलर पसंद। जिस बच्चे का ये बुक है उसने भरा है। आप अपने मम्मी के पसंद का भरो। सी लव्स टू ईट चाइनीज। उसकी मम्मी को चाइनीज़ पसंद है। जरूरी नहीं कि आपको यही कॉपी करना है। आपकी मम्मा को जो पसंद है आप वो भरो। थर्ड नंबर सी इंजॉय है टी एंड मूवी व्हेन फ्री टाइम। सी ऑल्सो लाइक टू ट्रेवलिंग। सी लव्स फैमिली अलॉट। ठीक है, इस तरह से भरना है। चलिए पेज टर्न करते हैं। यहाँ पे अब और आते हैं। क्या दिया है? डिक्शनरी स्किल्स। डिक्शनरी हैज़ अ मेनी वर्ड्स। डिक्शनरी की एक बुक होती है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बिगिनिंग फ्रॉम ए टू जेड लाइक ए बी सी एक्सेट। यानी कि जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर ए बी सी डी और जेड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि शुरुआती जो वर्ड होता है उस दौर में उससे हमें सीरियल बाय लिखना है, उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर कहते हैं। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे तो उसने एग्जांपल दे दिया, अब उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा। क्या दिया? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे देखिए, ए नंबर पे बलून, बी पे एंट, सी पे केक, डी पे लैंप और ई पे फैन दिया गया है और हमें इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट हमारा वर्ड अल्फाबेट का क्या आता है? ए आता है। यहाँ पे ए वाला क्या है? एंट है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में एंट लिखेंगे। टू नंबर पे बी हमारा सेकेंड लेटर होता है, इससे बलून सेकेंड लेटर। ए बी सी डी ई एफ जी होता है ना, इस तरह से हमें ढूंढना है। फिर अब यहाँ पे सी से केक दे रखा है तो थर्ड नंबर पे हम उसे ए बी सी, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसमें कोई डी वर्ड तो दिया नहीं है, ई भी नहीं दिया है, एफ दिया है, तो इसके बाद एफ आता है तो हम फोर्थ नंबर पे एफ पे फैन लिख देंगे। फिर जी भी नहीं दिया है, एच नहीं दिया है, आई नहीं दिया, जे नहीं दिया, के नहीं दिया है, लेकिन एल दिया है, तो हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। आपको बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है कि कौन सा ऑर्डर पहले आता है, उसे यहाँ पे पुट कर देना है जो आपको वहाँ पे सेंटेंस दिए होंगे। फिर देखिए नीचे है प्रोजेक्ट वर्क। आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जो यहाँ पे दिया गया। मेक अ स्पेशल हैट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। एक स्पेशल टोपी बनाओ अपने टीचर की मदद से। यूज़ अ पेस्टल सीट, टेक अ ब्राइट कलर पेस्टल सीट एंड कट अ स्ट्रिप फॉर 15-15 इंचेस इन द लेंथ ऑफ 4 इंचेस इज ब्रेथ। यानी आपको एक पेस्टल सीट लेना है जिसे कलर वाली, जो ब्राइट कलर चमकदार कलर वाली, उसे कट करना है 15 इंच लंबा और 4 इंच ब्रेथ, मतलब चौड़ाई उसकी 4 इंच होनी चाहिए, लंबाई उसकी 15 इंच होनी चाहिए। यू मे मेक अ डिज़ाइन ऑन वन साइड। एक साइड डिज़ाइन करो ऑफ द स्ट्रिप्स। स्ट्रिप से डेकोरेट विथ स्टार ग्लिटर्स एटसेट्रा। स्टेपल द टू एंड्स, फिट योर हैड, वियर योर हैड एंड हैव अ फन। और फिर उसे बनाओ स्टेप्स से और उसे आप पहनो, मतलब एक टोपी बनाना है। मेक अनदर हैड एंड अ गिफ्ट टू योर मदर। और अब दूसरा हैड बना के आप अपनी मम्मी को गिफ्ट भी कर सकते हो। चलो 15 इंच का एक लेना है, उसे चौड़ा करने स्टेप्स की मदद से, उसमें ग्लिटर चिपकाना है और उसे डेकोरेट करके हेड बनाना है। फिर देखिए नीचे आते वैल्यूज़ एंड द लाइफ स्किल्स। खैर कि रीनी कभी मान लीजिए बीमार, जो रीनी यानी मम्मा जो है अगर बीमार हो जाती है तो घर वाले कैसे ट्रीट करेंगे, उस तरह से आपको उसको करेक्ट करना है और जो नहीं हो सकता उसे रॉन्ग करना है। तो देखिए, जीत गिव हर वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए जीत देगा, हाँ दे सकता है, बीमार है तो हम पानी दे के हेल्प कर सकते हैं, राइट। अंजू गिव्स रीनी मेडिसिन। अंजू जो है वो मेडिसिन यानी दवाइयाँ देगी अपनी मम्मा को। फिर एवरी वन आस्क रीनी टू टेक अ रेस्ट, सब बोलेंगे उसे रेस्ट करने के लिए, ना कि काम करने देंगे। फिर फोर्थ नंबर, डैडी मेक्स टी फॉर हर, जो पापा हैं वो उनके लिए चाय बनाएंगे, हाँ बनाएंगे इसलिए, राइट। फिर पांचवा नंबर, रीनी कैन नॉट टेक अ रेस्ट, सी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। बीमार है लेकिन क्या करेगी, रेस्ट नहीं करेगी, बहुत सारे काम करेगी। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए क्रॉस। फिर है अंजू टेक्स केयर ऑफ हर मदर, और अंजू है जो अपनी मम्मा का है, मतलब क्या करेगी, केयर करेगी यानी देखभाल करेगी, राइट।
तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था माई सेल्फ वो ख़त्म होता है। भले ही चैप्टर लंबा हो गया हो बट ये चैप्टर बच्चों को पूरी तरीके से मैम नहीं इतने अच्छे से करवाती होंगे स्कूल में, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम होता है, उसमें उन्हें चैप्टर कराना होता है। सो जो भी पेरेंट्स वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय एंड थैंक यू।